नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मौका हो, दस्तूर हो, तो फिर पीछे क्यों रहा जाए। मौका हो, दस्तूर हो, तो फिर पीछे क्यों रहा जाए। अक्सर ऐसा ही कहा और माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी किसी का जन्मदिन आता है तो माना जाता है कि उसकी खुशियां अपार होती हैं और फिर वो अगले दिनों की खुशियां तलाशने में लग जाता है और खुशियां मिलने की उम्मीद भी हो जाती है। अब देखिए, इस वक्त हम जो चर्चा करते हैं वो कुछ सियासी होती है और अब तक जो आपने सुना उसके तार भी सियासत से ही जुड़े हैं, राजस्थान की सियासत से। अब राजस्थान की सियासत में, या यूं कहें कि कांग्रेस में चर्चाओं में कौन है, अब या तो जनाब अशोक गहलोत साहब या फिर माननीय सचिन पायलट। अब पूरी कहानी आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जान तो आप भी गए होंगे कि आखिर मसला है क्या। तो चलिए, अब सबसे पहले तो जनाब सचिन पायलट साहब को उनके जन्मदिन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। 7 सितंबर को है पायलट साहब का जन्मदिन, लेकिन इस बार जलसा 6 सितंबर को ही होगा, खबरें ऐसी हैं। और कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें पायलट साहब की पहले मनाए गए जन्मदिन की है, कुछ उसी तर्ज पर इस बार भी माजरा कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले जयपुर में उनके समर्थक बड़ी तादाद में जुटने की तैयारियों में हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और इसीलिए पायलट उसमें शामिल होने कन्याकुमारी जाएंगे। इस वजह से जन्मदिन से एक दिन पहले समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बदले हालात के बीच इस बार पायलट के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ के सियासी मायने हैं। दरअसल पायलट की अगली जिम्मेदारी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सचिन पायलट को सत्ता या संगठन में भूमिका दिए जाने पर जल्द फैसला होने के आसार हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से पायलट के पास कोई पद नहीं है। बताया जाता है कि सुलह कमेटी की सिफारिशों में तय फार्मूला के हिसाब से हाईकमान ने उन्हें सम्मानजनक जिम्मेदारी दिए जाने का भरोसा दिलाया है और अब पायलट समर्थकों को उसी का इंतजार है। लेकिन अब सवाल ये कि अगर पायलट अपने समर्थकों के साथ खुशियों का इजहार करते हैं तो फिर सियासी मायने कैसे। तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। अब देखिए, 4 सितंबर को कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल कार्यक्रम है, जहां देश भर के तमाम कांग्रेसियों के जुटने की संभावनाएं हैं और राजस्थान से भी सीएम अशोक गहलोत और पायलट समेत तमाम नेता दिलवालों की दिल्ली पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। उसके बाद 7 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, तो सचिन पायलट कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। और उससे पहले माना यह भी जा रहा है कि 5 सितंबर को यानी दिल्ली जलसे के अगले दिन राहुल गांधी गुजरात जा सकते हैं, जहां भी गहलोत और पायलट के जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा मुद्दा ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन अपना नाम लिखवाएगा। अब चर्चाओं के बीच माना जा रहा है कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी इस कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर सियासत राजस्थान में भी होगी। और जब जब राजस्थान में सियासत होती है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि सूबे में पायलट का सियासी विमान ना उड़े। जाहिर है सियासी विमान उड़ेगा और फिर जो आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं उसी तरह की दूसरी तस्वीरें भी कई पैगाम देंगी, ये भी साफ है। तो कहानी यही कि क्या पायलट एक बार फिर अपनी ताकत का इजहार करेंगे कुछ इसी तर्ज पर, पीछे वाली तर्ज पर। जाहिर है वो अपनी खिलाफत करने वालों को ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं, चाहने वाले बहुत हैं और जब भी कोई राजनेता ऐसा करता है तो उसका पैगाम दूर तलक तक जाता है, आवाज भी होती है और सियासी खनक भी। दरअसल जिसे राजनीतिक भाषा में कहा जाता है शक्ति प्रदर्शन। लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि अगर ऐसा होता है तो ये शक्ति प्रदर्शन क्या कहता है। अब एक बार फिर अगले साल विधानसभा चुनावों का शंखनाद होने वाला है
और जाहिर है कि उससे पहले ही सरकार के विधायक तो ये भी खुलेआम कह चुके हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं बल्कि पायलट के साथ हैं। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि गहलोत साहब को अब युवाओं को मौका देना चाहिए, तो क्या ये बयान माना जाए कि कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बहरहाल 6 सितंबर को देखा जाएगा कि आखिर क्या ताकत बरकरार है, क्या कुछ कमी हुई है या फिर इजाफा, क्योंकि इसके सियासी मायने भी खूब निकलेंगे, खूब होते भी हैं। नमस्कार।